हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 17। अभी तक हम लोग 16 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग से अगर के देख सकते हैं। देखिए, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जो हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक है, इसका 6th एडिशन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसके अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ एवं इसका क्षेत्र। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने जब इसमें पढ़ा होगा तो बहुत सारे फैक्ट हैं। अगर आप इन फैक्ट को ही रटेंगे तो एक सप्ताह निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको पढ़ने चाहिए, किस तरह से इसके नोट्स बनाने। तो सिनॉप्सिस के फॉर्म में मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा। ओके, तो एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट की चीजें मैं सारी की सारी यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ, और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे। ओके, और ये चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है। ओके, और साथ में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों के नाम भी परिवर्तित किए जा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग बहुत विस्तृत में इस पर बात करने जा रहे हैं। ओके, और साथ में आपको बहुत सारी चीजें भी पता चलेंगी, और साथ में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें बताना है अगर आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत या फिर मैंने आपको जब एनसीईआरटी पढ़ने को बोला था उस टाइम आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। लेकिन आपको 50 शब्दों में लिख करके देना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं मेरे तो वहां पर दीजिए, अगर नहीं जुड़े हुए तो यहाँ पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको बताना है भारत के क्षेत्र और भारत का जो संघ है इसमें कौन ज्यादा व्यापक है, यानी कि किस कौन इन दोनों शब्दों में से कौन ज्यादा व्यापक है। ओके, कौन ज्यादा क्षेत्र को ज्यादा ग्राहित करते हैं, तो आपको ये बताना है बहुत अच्छे से। 50 शब्दों में लिख करके बता सकते हैं, ज्यादा हम बताना चाहते हैं तो ज्यादा में भी बता सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से भाग में आता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा संविधान है उसके भाग नंबर एक में, यानी कि इंग्लिश में जिसको पार्ट बोलते हैं, पार्ट नंबर वन में ही आपको देखने को मिलेगा। और कितने से कितने आर्टिकल के बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में बताया गया है यूनियन और इसकी टेरिटरी के संबंधित ये सारे आर्टिकल दिए गए हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल, 1, 2, 3, 4 आपको देखने को मिलेंगे। चारों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग वन बाई वन इसके ऊपर बात करते हैं कि आर्टिकल वन में क्या है, टू में क्या है, थ्री में क्या है, फोर में क्या है। ओके, तो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में और एक एक शब्द है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल वन। देखिए आर्टिकल वन में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर एक भारत का नाम देखने को मिलेगा और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया। नाम भारत का, 2 भारत के नाम हमारे संविधान बताए गए हैं, एक इंडिया दूसरा भारत, इन दोनों को शामिल किया गया। अब देखिए 2 नामों को क्यों शामिल किया गया, एक भारत और दूसरा इंडिया, दोनों को शामिल करने का क्या तात्पर्य था। तो जब संविधान सभा थी उसमें पूछा गया कि भारत का नाम क्या रखा जाए। ओके, हमारी जो इंडिया उसका नाम क्या रखा जाए, तो कुछ सदस्य थे जो संविधान सभा के वो बोले हमारे भारत का नाम इंडिया रखा जाए, और कुछ बोले भारत का नाम भारत ही रहने दिया जाए। तो इस पर विवाद ना हो तो संविधान सभा थी उसने बहुत अच्छा काम किया कि उसने दोनों को ही ले लिया, इंडिया को भी ले लिया भारत को भी ले लिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदुस्तान शब्द को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो हिंदुस्तान शब्द आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा हमारे संविधान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है बल्कि 2 शब्दों का उपयोग किया गया, एक भारत और दूसरा इंडिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नंबर एक आर्टिकल वन में आपको क्या देखने को मिलेगा, नाम, क्या देखने को मिलेगा, नाम, और दूसरा हमारे भारत किस तरह का होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, दूसरे इसके बारे में बताएंगे। तो दूसरा शब्द आपको देखने को मिलेगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल वन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आर्टिकल है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और हमारे भारत की प्रकृति और उसके नाम के बारे में बता रहे हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है कि भारत, भारत क्या होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर राज्यों के संघ की जगह समूह शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक वर्ड है उसको डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी। ओके, तो देखिए समूह शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने समूह की जगह राज्यों का संघ उपयोग किया, संघ का मतलब होता है यूनियन। ओके, हम लोगों ने जिस शब्द का उपयोग किया है उस शब्द का नाम है यूनियन। इसका मतलब क्या था, इसके 2 तात्पर्य थे, यूनियन यानी कि संघ शब्द को शामिल करने का इसके 2 तात्पर्य थे। नंबर एक इसका तात्पर्य था कि भारत समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि जितने भी राज्य आपको देखने को मिलते हैं इनके आपस में समझौता
कोई भी समझौता नहीं हुआ जिससे हमारा हमारा जो भारत है वो अस्तित्व में आया हो। मतलब हमारा भारत है, इसका निर्माण किसी समझौते के तहत नहीं हुआ, इसका एक मतलब ये हुआ। और दूसरा मतलब क्या था, इस संघ को शामिल करने का दूसरा तात्पर्य था कि जो संघ में एक बार कोई भी राज्य शामिल हो जाता है उसे संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, कोई भी राज्य, कोई भी बाहरी क्षेत्र है वो एक बार भारत के अंदर आकर के इसके संघ में शामिल हो जाता है, फिर उसके बाद वो इससे अलग नहीं हो सकता। वो चाहता है कि भारत से हम अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र या फिर दूसरे देश में जाकर के मिलना चाहते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आप लोग समझ गए, जैसे भारत की जो मेन सीमा है ना, ये देखिए अपरिवर्तनशील रहेगी, मतलब ये आपको ये दिख रही है ना, तो ये इस तरह की दिखेगी, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारे राज्य देखने को मिलेंगे। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28, बहुत सारे लोग कहते हैं 29 राज्य हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वो यूनियन टेरिटरी बन गया। ओके, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, 28 राज्य हैं और साथ में आपको 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेंगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि 9 यूनियन टेरिटरी है, तो अब लॉकडाउन में 2 यूनियन टेरिटरी उनको मिला दिया गया, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली को मिला दिया गया। ओके, तो ये पता नहीं चल पाई क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ गायब ही हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि 9 यूनियन टेरिटरी अब नहीं है, एक काम हो गई है, 8 यूनियन टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी। ये भी इस पर भी हम लोग बहुत ही विस्तृत में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए वीडियो। ओके, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं इसलिए मैं आपको बीच में बता देता हूँ। देखिए, यानी कि जो हमारी भारत की जो बाहरी सीमा है ये अपरिवर्तनशील है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। अगर इसमें परिवर्तन करना है वो भी हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर इसके अंदर जो 28 राज्य हैं, ये 28 राज्यों में हमें परिवर्तन करना हो, ये किया जा सकता है। अब जैसे एक राज्य ले लेते हैं, यूपी ही ले लेते हैं, अब यूपी मानते हैं एक बार ये भारत के संघ में आकर के शामिल हो गया। जैसे सिक्किम है, सिक्किम भारत के संघ में आकर के शामिल हो गया। अब ये सिक्किम चाहता है कि हम फिर से अलग हो जाएं, ये जाकर के चाइना से मिल जाए या जाकर के हम नेपाल से मिल जाए, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमारे आर्टिकल 1 में कहा गया है कि एक बार जो भारत के संघ में आकर के शामिल हो जाएगा वो इससे कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 1 आप लोग समझ गए कि हमने संघ शब्द का उपयोग क्यों किया, यूनियन शब्द का उपयोग क्यों किया। इसके दो तात्पर्य थे, नंबर एक, भारत का जो निर्माण हुआ है वो किसी भी समझौते के तहत नहीं हुआ है, और दूसरा इसका तात्पर्य था कि जो भी इसमें आकर के एक बार इस संघ में आकर के शामिल हो जाएगा वो इस संघ से अलग नहीं हो सकता, उसके पास कोई भी राइट नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या दिया रखा है। आर्टिकल 1 आप लोग समझ गए ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं करेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 का क्या मतलब है, आर्टिकल 2 है वो संसद को शक्ति देता है, यानी कि भाग नंबर 1 है ना, भाग नंबर 1 में संसद के पास ज्यादा पावर है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, संसद को यहाँ पर ज्यादा पावर दी गई है, यानी कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, उसमें संसद ज्यादा पावरफुल होगी। अब देखिए आर्टिकल 2 संसद को शक्ति देता है, अब कौन सी शक्ति देता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसद के पास 2 शक्तियां हैं, आर्टिकल 2 है वो 2 शक्तियां देता है। नंबर 1, संसद चाहे तो वो किसी भी नए राज्य को, ध्यान से सुनिए, नए राज्य को, कोई भी न्यू स्टेट है उसे संघ में शामिल कर सकती है, और दूसरा बहुत अच्छे से सुनिए कि नए राज्य का गठन कर सकती है। ओके, अब देखिए मैं इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए पहले वाले का तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए, पहले वाले का तात्पर्य है, जैसे सिक्किम, मान लीजिए सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था, तो संसद के पास ये पावर थी कि वो ला करके इसे भारत के संघ में शामिल कर ले। यानी कि पहला वाला कहता है कि कोई भी राज्य जो भारत के क्षेत्र से बाहर है, भारत का भी भाग नहीं है, उसे ला करके भारत के संघ में शामिल कर सकती है। ओके, और दूसरा वाला है, इसको संसद को राइट देता है कि वो नए राज्य का गठन कर सकती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भारत में, मैंने आपको बताया अभी कितने वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन संसद चाहती है, हमारी पार्लियामेंट चाहती है, वो किसी भी राज्य से या फिर कुछ राज्यों के क्षेत्र से मिला करके एक नए राज्य का गठन करना चाहती है, या फिर आपको जैसे कोई भी यूनियन टेरिटरी, जैसे दमन दीप हो गया, आपको बहुत सारी, जैसे पांडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इनको एक राज्य घोषित करना चाहती है, एक संघ में शामिल करना चाहती है।
तो वो कर सकती है। मतलब क्या हुआ इसका, ये देखिए ये क्षेत्र तो पहले हमारे पास था, लेकिन इस क्षेत्र में अभी कितने 28 राज्य थे, लेकिन वो चाहती है, जो संसद है वो चाहती है इसमें हम एक राज्य और बनाते हैं। एक जैसे यूपी का ही मान लेते हैं, यूपी को दो भागों में बांट दे, एक शेष भाग है उसको यूपी रहने दे और इसका एक भाग निकाल के हम कुछ और बना दे, ओके एक्स राज्य बना दे मानते हैं, तो वो बना सकती है। एक ये क्या कहता है, ये दूसरा वाला यही कहता है कि नए राज्य का गठन कर सकती है। और पहला वाला क्या है इसमें, पहले वाले का मतलब है यहाँ पर कि नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है जो अभी तक भारत के संघ में नहीं है, ओके। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एक स्टोरी के फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 3 कहता है कि संसद के पास शक्ति है कि वो राज्यों का पुनर्निर्माण कर सकती है और उसका नाम भी परिवर्तित कर सकती है। पुनर्निर्माण का मतलब क्या है, वो चाहती है जैसे कुछ राज्यों का क्षेत्र है उसको मिलाकर के एक नए राज्य का गठन करना चाहती है, या फिर उसका सीमांकन फिर से करना चाहती है तो वो कर सकती है, मतलब उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है तो कर सकती है, साथ में अगर उसका नाम परिवर्तित करना चाहती है तो वो कर सकती है। जैसे मानते हैं कि उत्तराखंड है या यूपी है, इनका नाम बदल के कुछ और करना चाहती है, जैसे यूके का नाम एक्स एक्स के करना चाहती है, ओके, या फिर यूपी का नाम केजी करना चाहती है, तो वो कर सकती है। इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है और इसके लिए कोई संविधान संशोधन की भी आवश्यकता नहीं होगी, ये साधारण विधायी प्रक्रिया से किया जा सकता है, ओके। तो आप लोगों ने समझ लिया, तो यानी कि दो यहाँ पर शक्तियां मिलती हैं संसद को फिर से आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर उसका पुनर्सीमांकन करना हो तो वो कर सकती है, और दूसरा अगर उसके नाम में चेंजेस करना हो तो किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। देखिए कोई भी राज्य है, अब जैसे बहुत सारे राज्य मानते हैं यूपी यूपी को ही ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, अब उत्तर प्रदेश के दो भाग करके हमारी जो संसद है वो दो भाग करना चाहती है, एक भाग इसके दो भाग करना चाहती है। अब भाई यूपी एक राज्य है, उसकी भी तो कुछ बात बनती है, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब उसको उठा करके उसके 10 टुकड़े कर दिए हैं, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर केंद्र सशक्त है, केंद्र कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी की तरह कि भाई एक फॉर्मेलिटी के लिए यूपी की सरकार से, योगी जी से पूछ लेते हैं कि हम तुम्हारे जो राज्य है उसके दो भाग करना चाहते हैं, भले तुम हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन हम तुमसे पूछ लेते हैं, ओके एक फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कर लेते हैं। अब देखिए अगर ऐसा करना चाहती है, ओके इन दोनों में से कुछ भी करना चाहती है संसद, तो उसे एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटी क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऐसा अगर संसद करना चाहती है तो उसे अध्यादेश लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी, मतलब ऐसा कोई प्रस्ताव वो प्रस्तुत करना चाहती है संसद में, तो उससे पहले उसका एक प्रतिवेदन होगा वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, किसके लिए, पूर्व अनुमति के लिए सिर्फ भेजा जाएगा, ये भी एक तरह से सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, ओके। अब राष्ट्रपति इस पे मंजूरी देने से पूर्व एक काम और करेगा, वो क्या काम करेगा, वो संसद में इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, जो भी संबंधित विधानमंडल होगा, जैसे यूपी का नाम परिवर्तित करना चाहती है संसद, तो इसको एक एक यहाँ पर एक प्रस्ताव होगा वो प्रस्तुत करना होगा ना संसद में, लेकिन इसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले एक देखिए एक छोटा सा प्रोसेस है, वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे पूर्व मंजूरी के लिए, लेकिन राष्ट्रपति कहेंगे चलो एक बार हम योगी जी से पूछ लेते हैं, तो वो योगी जी को यानी कि विधान जो विधानमंडल है वहां पर भेजा जाएगा उनका मत लेने के लिए। मत क्या है, यानी कि आपके जो यूपी है भाई, हम उसका नाम परिवर्तित करना चाहते हैं या फिर सीमा परिवर्तित करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। अब योगी जी हाँ बोले या ना बोले इसको मानने के लिए ना ही राष्ट्रपति बाध्य है ना ही यहाँ की संसद बाध्य है, ओके। पर एक बार बस फॉर्मेलिटी के लिए योगी जी से पूछ लिया जाएगा कि आपका जो राज्य है उसका नाम परिवर्तित कर दिया जाए या नहीं। अब योगी जी यस बोले या फिर नो बोले इससे कोई भी मतलब नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी थी जिसको पूरा कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट में लिखा भी है कि राष्ट्रपति और जो संसद है वो जो विधानमंडल अपना कोई भी निर्णय देता है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही उन्होंने इसे समय सीमा के अंदर दे दिया हो। और ये निर्णय होता है ना जो विधानसभा को देना है राष्ट्रपति को, इसके लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया गया है, मतलब इस समय सीमा के अंदर ही
उन्हें अपना जवाब देना होगा, और जवाब कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर संसद चाहती है तो वो कर सकती है। मैंने आपको बताया यहाँ पर ज्यादा पावर किसको दी गई है, संसद को दी गई है, हमारी पार्लियामेंट को दी गई है। ओके, तो आर्टिकल 3 आप समझ गए कि अगर राज्य की जो सीमाएं है उनमें परिवर्तित करना चाहती है हमारी संसद, या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना चाहती है तो वो कर सकती है बहुत ही आराम से। इससे पहले एक छोटा सा एक प्रोसेस होता है, फॉर्मेलिटी होती है, उसे पूरा करना होता है। राष्ट्रपति के लिए पूर्व मंजूरी के लिए वो जो भी प्रस्ताव होता है उसे भेजना होता है, और राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने से पहले उसे संबंधित जो भी राज्य होगा उसके विधानमंडल में भेजेगी, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाता है एक तरह से। ओके, और वो अगर समय सीमा के अंदर कोई भी जवाब आ जाता है यस नो का, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 4 पर। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि हमारे संविधान में मैक्सिमम चीजें हैं जिनको परिवर्तित करने के लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें साफ कह दिया गया आर्टिकल 4 इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 यानी कि जो आर्टिकल 2 और 3 अभी हम लोगों ने देखे कि अगर आर्टिकल 2 क्या कहता है, अगर संसद चाहती है किसी को भी अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहती है, संघ में शामिल करना चाहती है, फिर नए राज्य का गठन करना चाहती है, आर्टिकल 2 ये कहता है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि अगर संसद किसी भी राज्य की जो सीमा है उसमें परिवर्तन करना चाहती है, फिर उसका नाम परिवर्तन करना चाहती है, तो इन दोनों के लिए आर्टिकल 4 कहता है कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग अगर संसद करती है तो इसके लिए उसे संविधान संशोधन आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। आपको पता है आर्टिकल 368 एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, और एक ये जटिल प्रक्रिया है। ओके, इसके द्वारा अगर संविधान में संशोधन करना होगा एक जटिल प्रक्रिया है, अगर संसद चाहती तो वैसा नहीं कर सकती, इसीलिए आर्टिकल 4 में संसद को ज्यादा पावर देनी थी, तो इसीलिए इसे आर्टिकल 368 से अलग रखा गया है। ओके, अलग रखा गया, आप लोग समझ जाइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 4। देखिए इसमें संशोधन करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ जो साधारण बहुमत होता है उसकी आवश्यकता होती है, या फिर समान विधायी प्रक्रिया, कोई भी समान जैसे विधेयक पारित किया जाता है उस प्रोसेस से इसको पूरा किया जा सकता है। ये भी हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। ओके, इनमें बहुत हम विस्तृत में बात करेंगे, तो आप लोग अभी अपने टॉपिक पे रहिए, इससे ना भटके। ओके, लेकिन इसमें देखिए एक नोट जोड़ दिया गया, इसमें एक नोट जोड़ दिया गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूभाग का जो हस्तांतरण होगा, मतलब भारतीय क्षेत्र को अगर किसी विदेश को देना है, ओके, विदेशी क्षेत्र को देना है, विदेशी जैसे दूसरे देशों को देना है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। क्योंकि वो देखिए अभी तक हम किस में कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पर राज्य या तो उसमें शामिल कर रहे हैं, या फिर इनका नाम चेंज कर रहे हैं, या फिर इनकी सीमा परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन अब बात आ गई जो हमारे भारत की जो मेन बाउंड्री है उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी केंद्र में गवर्नमेंट आ गई और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट हो कि भाजपा गवर्नमेंट है, ओके, वो उसके पास बहुमत है, अब वो चाहे कि किसी एक राज्य को किसी देश को दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसे जम्मू कश्मीर है या फिर कोई भी राज्य है, ओके, उसको पूरा उठा करके किसी को दे दिया खुद करने के लिए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो आप लोग समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इससे जब बात आई कि जो भी क्षेत्र है वो विदेश को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, फिर एक विवाद का मुद्दा बन गया कि क्या इस आर्टिकल के द्वारा, जो इस आर्टिकल कहता है कि इसमें जो आर्टिकल 2 और 3 है ना, इसके द्वारा किसी भी क्षेत्र को विदेश को दिया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मुद्दा है 1960 में आप देख सकते हैं कि विदेश से हस्तांतरण से संबंधित ट्रांसफर, एक भूमि थी उसको ट्रांसफर करना था, ये सीमा विवाद से संबंधित था। आप लोग देखेंगे कि जो बंगाल था, ओके, और बंगाल और जो बांग्लादेश है ना, इसकी जो सीमा है इसमें बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था, वो जो भी सीमा थी ना उसका निर्धारण करना था, तो यहाँ पर एक भूमि थी ना उसका ट्रांसफर करना था, तो इससे संबंधित एक विवाद आया। ओके, तो यही विवाद आप देखेंगे कि 1960 में एक मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि अगर किसी भी क्षेत्र को विदेश को सौंपना है तो उसके लिए क्या संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि अगर किसी भी क्षेत्र को विदेश को सौंपना है तो उसे साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला तो 9वां संविधान संशोधन 1960 में एक 9वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा जो क्षेत्र था वो विदेश को हस्तांतरित किया गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे बाद में फिर से ये मुद्दा था ना, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको फिर से चुनौती दी गई। जब चुनौती दी गई तो ये उस समय इसको लागू नहीं किया जा सका, जो जो 9वां संविधान संशोधन था ना उसको रद्द कर दिया गया। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर एक मुद्दा यहाँ पर उठ के आया, यहाँ पर ये विवाद था, ये विवाद चलता रहा बहुत समय, लंबे समय तक चलता रहा। फिर आप देखेंगे वर्तमान में 2015 में ये सॉर्ट आउट हुआ, और इसको सॉर्ट आउट करके जो भूमि बांग्लादेश को देनी थी, ओके बांग्लादेश को देनी थी वो दी गई। ओके, और जो सीमा विवाद था उसका निपटारा किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरह से हुआ। तो 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, इसके द्वारा जो बांग्लादेश है और भारत है इसके बीच में जो सीमा विवाद है उसका निपटारा किया गया, और जो सीमा का निर्धारण था वो भी किया गया। तो 100वां संविधान संशोधन था, ये किससे रिलेटेड था और ये हाल ही में हुआ, इसीलिए आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें के जो 10 संविधान संशोधन है वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, पीछे के सारे याद नहीं करने हैं, सिर्फ 4-5 याद करें जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो 4-5 सिर्फ याद रखने हैं, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको 100वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बांग्लादेश को एक भूमि थी उसका स्थानांतरण किया गया था और कुछ क्षेत्र था वो भारत को भी मिला था। देखिए इसमें क्या क्या शामिल था। नंबर एक आप देखेंगे एक भूभाग था जिसको ट्रांसफर किया गया, इंडिया को भी किया गया कुछ भाग और कुछ भाग बांग्लादेश को किया गया। तो किस भाग को किया गया, इनक्लेव्स थे। इनक्लेव्स किसे बोलते हैं, एक क्षेत्र होता है मतलब कटाफिटा क्षेत्र होता है, आप लोग देखेंगे जलीय भाग होता है, बहुत ही कटाफिटा क्षेत्र होता है। आप देखेंगे मैं यहाँ पर शायद पिक लगाया हूँ, देखिए इस तरह का, जैसे आप देख रहे हैं ना समुद्र किनारे आपको इस तरह की कटी भिटी भाग दिख रही है ना, तो यहाँ पर सीमा निर्धारण ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि समझ भी नहीं आता है ये किसके भाग में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिगजैग होता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद हो गया था, तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए संविधान संशोधन किया गया, इसी को इनक्लेव्स कहते हैं। अब देखिए इसमें कितने इनक्लेव्स थे वो भारत के अंडर में आए, कितने बांग्लादेश में, तो इनक्लेव्स थे इतना 111 थे वो भारत ने बांग्लादेश को दिए, ओके, और 51 थे वो भारत को मिले, यहाँ पर इतने थे ए इंडिया को मिले। तो इंडिया को यहाँ पर कम मिले, लेकिन एक सीमा जो सीमा विवाद था बहुत लंबे समय से चला आ रहा था वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया, ओके। और साथ में आप देखेंगे जो ये संविधान संशोधन था इसमें तीन चीजें थी, नंबर एक एक भूमि का ट्रांसफर करना था, दूसरा जो प्रतिकूल दखल थे उनको समाप्त करना था, साथ में 6 किलोमीटर एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि 6.1 किलोमीटर जो बॉर्डर था ना उसका भी निर्धारण किया जाना था, और ये अब हो गया सफलतापूर्वक, ये हो गया और इसकी बहुत लंबी आपको पृष्ठभूमि देखने को मिलेगी, अभी हम इस पर बात करेंगे। अब इसके लिए आप देखेंगे ये राज्य थे इनकी भी सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि इनसे भी ये संबंधित था। यहाँ पर आप देखेंगे असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इससे भी ये संबंधित था, और फर्स्ट शेड्यूल था उसमें भी परिवर्तन किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा, जो 100वां संविधान संशोधन था इसमें किया गया, ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, जो ये संविधान संशोधन है इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि इसके लिए पहले भी बहुत बार प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन वो सफल नहीं रहे, ओके। तो हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश है, इसके बीच में जो सीमा निर्धारण होता है वो रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा होता है। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय एक सीमा निर्धारण की गई थी जिसे आप रेड क्लिफ अवार्ड के नाम से जानते होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र था इसका उसमें विवाद हो गया, क्योंकि वहां पर जो सीमा थी वो ठीक से निर्धारित नहीं किया जा सका, क्योंकि वो क्षेत्र था बहुत ही दुर्गम इलाका था, बहुत ही जिगजैग था, तो इस कारण उस समय उसका निर्धारण ठीक से नहीं किया जा सका, तो ये विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। इसी विवाद को सुलझाने के लिए पहले प्रयास किया गया, आप देखेंगे 1950 में आप देखेंगे बॉम्बे, मुंबई नहीं होगा, बॉम्बे अवार्ड के नाम से यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया, ओके। तो बॉम्बे अवार्ड है था, इसके माध्यम से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई लेकिन फिर भी नहीं हुआ, ये विवाद था, ये निरंतर चलता रहा। फिर 1958 में आप देखेंगे जो पंडित नेहरू थे इन्होंने इसे सुलझाने का प्रयास किया और यहाँ पर नेहरू नूर समझौता हुआ। देखिए जो नेहरू और नूर समझौता हुआ इसके द्वारा इस जो विवाद था ना इसको सुलझाने की कोशिश की गई, यहाँ पर भी ये सुलझा नहीं,
फिर ये जो मामला था यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंच गया। जो अभी मैंने आपको बताया था वही ये मामला है, बीरूबाड़ी संघ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया। आप देखेंगे 1960 में जो 9वां संविधान संशोधन था, जो मैंने अभी बताया था हुआ था बाद में, उसको रद्द कर दिया गया। ओके, 9वां संविधान संशोधन किया गया इस मामले को निपटारा करने के लिए, लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया इसीलिए ये लागू नहीं किया जा सका। ओके, और बाद में आप देखेंगे 16 मई 1974 को भी एक समझौता हुआ, लेकिन इस समझौता आप देखेंगे कि बीच में दोनों देशों के जो संबंध थे वो भी ठीक नहीं चल रहे थे। ओके, और बीच में बहुत सारी चैलेंजेस भी थे इंडिया के साथ में, और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे उस समय। इसको समझौता यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक समझौता हो गया था कि हम चलो मिलकर के जो सीमा विवाद है उसका निपटारा कर लेंगे। तो आप देखेंगे बहुत लंबे समय से लंबित रहा। फिर इसी में इसी का एक परिणाम था, आप देखेंगे 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे। जो एक प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे ना, वो किसका यहाँ पर आप देखेंगे भाग था, वो 16 मई 1974 को एक जो समझौता हुआ था इसी समझौते की एक कड़ी थी। ओके, तो ये प्रोटोकॉल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक तरह से छोटा सा एक ओवरव्यू दे दिया। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जैसे कि कौन सी सीमा थी वो आपको ध्यान रखनी है, और एक दो जैसे बीरूबाड़ी संघ मामला है ये आपको याद रख लेना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। लेकिन जो 100वां संविधान संशोधन हुआ है ये आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया गया था, साथ में कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे, ये राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, और कौन से शेड्यूल में मतलब अनुसूची में परिवर्तन किया गया था, ये चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जो मैंने आपको बताया था कि इनक्लेव्स 111 और 51 इनक्लेव्स थी, ये भी आपको याद नहीं रखना है। जो ज्यादा फैक्चुअल होता है वो नहीं याद रखना है, लेकिन आप लोग SSC या फिर वनडे एग्जाम या फिर आप लोग PCS देते हैं तो इसमें थोड़ा सा पूछ लेता है, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस में याद रख लीजिए। अगर आप लोग UPSC का देते हैं तो उसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग राज्यों का उद्भव, कि राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। हमारा भारत जब स्टार्टिंग में आया था तो आप देखेंगे 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उस समय आप लोग देखेंगे भारत के क्षेत्र में 552 देशी रियासतें आई थी। अब इन देशी रियासतों में आप लोग देखेंगे कि इसमें तीन जो देशी रियासतें थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीन बहुत नालायक थी, ये भारत के संघ में शामिल नहीं हुई, और बाकी जितनी भी थी वो सभी भारत के संघ में शामिल हो गई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको कार्य सौंपा गया था कि भाई जितनी भी देशी रियासतें हैं डंडा ले लेकर के सबको इसमें शामिल किया जाए। ओके, भारत के संघ में। तो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में अब मैं तीनों की एक छोटी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और बहुत अच्छे से आपको कवर करा देता हूँ। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर आपको ऊपर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू राजा थे, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी। ओके, तो ये स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर था वो स्वतंत्र रहना चाहता था, उसने कहा कि हम ना ही भारत में शामिल होंगे ना ही हम इंडिया में शामिल होंगे। तो इंडिया तो उस समय चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान था वो चुप नहीं रहा, उसने आकर के इस पे हमला कर दिया। और मजबूरी में जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, ओके, हरी सिंह थे, उन्होंने आकर के बाद में दिल्ली आए और उन्होंने समझौता किया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत के संघ में शामिल कर लिया गया। अब बात आती है हैदराबाद की। अब हैदराबाद आपको बीच में देखने को मिलेगा। अब देखिए हैदराबाद आप देखेंगे यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ओके, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन ये कितना बगलोट टाइप का बंदा था, ये मतलब क्या इसके लिए क्या बोले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भारत के बीचों बीच में, और ये पाकिस्तान में कह रहा था हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, ये मतलब पाकिस्तान में अगर ये शामिल भी हो जाता तो एक पाकिस्तान जाता कैसे, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश का शोषण करता वैसे इसका भी शोषण करता। और दूसरी बात, भारत कभी भी नहीं चाहता ना कि बीच में एक ऐसा क्षेत्र हो जिस पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान बन जाए, और उसके लिए हमें कोई भी ना एक तो रूट देना पड़ेगा, अगर रूट नहीं देंगे फिर भी समस्याएं बनी रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र हम बफर के रूप में छोड़ नहीं सकते थे, ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इसलिए यहाँ पर सरदार पटेल थे, उन्होंने देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको भारत के संघ में शामिल कर लिया। ओके, अब यहाँ पर आप बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, गुजरात है ना, गुजरात के
आपको तटवर्ती क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब गुजरात में आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र था, मतलब यहाँ पर यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू बहुल थी, लेकिन यहाँ पर राजा था वो आपको मुस्लिम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ना ही पुलिस की जरूरत थी, ना ही विलय पत्र की जरूरत थी, यहाँ की जनता हिंदू थी, तो पता था कि वो हिंदुस्तान में शामिल होगा, तो कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मतदान करा लेते हैं, जो जनता चाहती है वो हम कर लेते हैं। तो जो सरदार पटेल थे ना वो बहुत ही चालाक थे, इसीलिए उनको बिस्मार्क बोला जाता है, जैसे इटली का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, इसी तरह भारत का एकीकरण, बहुत बड़ा रोल है सरदार पटेल का। ओके, तो आप देखेंगे तो सरदार पटेल ने कहा हम देखो हम तो भाई कुछ नहीं चाहते, यहाँ की जो जनता चाहेगी वही होगा। और यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह में आप लोग जानते हैं यहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र होने के कारण वो भारत में आकर के शामिल हो गए। ओके, सभी जनता चाहती कि हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से इन तीनों रियासतें थी, इनको भारत के संघ में शामिल कर लिया गया। अब आप देखेंगे भारत का जो मानचित्र था ये बहुत ही अलग था। जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 के समय आप देखेंगे इसमें 29 राज्य थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज भी हमारे यहाँ लगभग 29 राज्य थे, अभी एक कम हो गया, अब 28 हो गए हैं। ओके, लेकिन ये पहले से बहुत ज्यादा भिन्न था। ओके, पहले बहुत भिन्न था, अब आप देखेंगे तो बहुत भिन्न, पहले से चार श्रेणियों में बांटा गया। उन चार श्रेणियों की हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जब 1950 का जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग मैप देख लीजिए, मैं कैमरा चेंज कर देता हूँ, देखिए इस तरह का मैप आपको कुछ देखने को मिलेगा। पहले देखिए बॉम्बे इतना बड़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मद्रास इधर इतना बड़ा था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रांत था, बहुत सारे यहाँ पर जो चेंजेस थे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उत्तर उत्तराखंड कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इधर सिर्फ आपको पूरे रीजन में ही असम देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हमारे मैप में। इस मैप को मैं बहुत अच्छे से अभी आपको पढ़ाऊंगा, एकदम घोल के पिला दूंगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं इस समय जो 29 राज्य थे इनको चार भागों में बांटा गया। इन चार श्रेणियों का मतलब क्या था और इन्हें किस प्रकार बांटा गया हम लोग देख लेते हैं। तो भाग का में आप देखेंगे 9 राज्यों को शामिल किया गया, और भाग खा में 9 राज्यों को शामिल किया गया, भाग गा में आप देखेंगे 10 राज्यों को शामिल किया गया, और भाग गा में सिर्फ और सिर्फ एक राज्य को शामिल किया गया, अंडमान निकोबार को शामिल किया गया। अब भाग का खा गा ये चार श्रेणियां क्यों बनाई गई, ओके इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो भाग का में कौन से राज्य आते थे, तो भाग का में वे राज्य आते थे जहां पर गवर्नर के प्रांत थे, मतलब ब्रिटिश क्षेत्र जो था उस पूरे को भाग का में रखा गया। और भाग खा में फिर किसे रखा गया, भाग का में खा में मतलब सेकंड में उसे रखा गया जहां पर विधानसभा के साथ में राज्यशाही शासन था, और वहां पर विधानसभाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा जो मिक्स था ना, यहाँ पर देसी रियासतें और विधानसभाएं एक साथ मिलकर के काम करती थी, उन्हें इस क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलेगा, उन्हें सेकंड श्रेणी में रखा गया। और थर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर कौन था, यहाँ पर मुख्य आयुक्त और प्लस देसी रियासतें मतलब स्वतंत्र थी, ओके उनको तीसरी वाली श्रेणी में रखा गया। और चौथी श्रेणी में अकेला जो एक द्वीपीय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार, आपको इधर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार, इसे सिर्फ और सिर्फ अकेला रखा गया। ओके, भाग खा में। लेकिन समय के साथ ये देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये जो व्यवस्था थी ये अस्थायी रूप से हमारे जो देश थे वो सॉरी राज्य थे उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इन्हें समय के साथ इन्हें परिवर्तित करना बहुत ही आवश्यक था। तो इसमें चेंजेस होने थे, ओके तो इसमें बहुत ज्यादा मांग उठने लगी कि हमारे जो राज्य हैं उनमें परिवर्तन हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो तरह के राज्य होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, वैसे स्लाइड पहले पड़ गई है, मैं इसके बारे में बाद में बताने जा रहा था, लेकिन अभी बीच में स्लाइड आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो राज्य आपने सुने होंगे, एक विशेष राज्य और एक होता है विशेष प्रावधान, राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान। तो हमारा संविधान है वो विशेष राज्य, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता है, संविधान इसकी साफ साफ मनाही करता है। लेकिन स्टार्टिंग में अस्थायी रूप से जम्मू कश्मीर के लिए ये स्टेटस दिया गया था, और अभी तक किसी भी राज्य को स्टेटस नहीं दिया गया है, और हमारा संविधान वो इसका मतलब इसको प्रमोट भी नहीं करता है, वो इसकी एकदम साफ मनाही करता है कि किसी भी राज्य को विशेष अधिकार नहीं देगा, ओके विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा, बल्कि जो राज्य पिछड़े राज्य हैं जिनको आवश्यकता है उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया जा सकता है। देखिए इसका मतलब होता है स्पेशल स्टेटस, तो स्पेशल स्टेटस है
उसकी हमारा संविधान मनाही करता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक और होता है स्पेशल प्रोविजन। अब देखिए स्पेशल प्रोविजन मतलब होता है विशेष प्रावधान, किसी राज्य के लिए विशेष प्रावधान करना, ये हमारा संविधान कहता है जिस राज्य को आवश्यकता है उसके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे सभी देशों का समान उत्थान हो। तो इस तरह के बहुत सारे राज्यों के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो वर्तमान में आपको 12 राज्यों के लिए इस तरह के प्रावधान देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से 12 राज्य हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मुझे भी याद नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से याद रखने हैं। तो मुझे भी याद नहीं है लेकिन मैं किस तरह से याद रखता हूँ, फिर मुझे याद आ जाते हैं, तो मैं वो आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं आपकी मैक्सिमम चीजें जो मैप है ना उससे ही याद कराऊंगा। तो मैं जब भी मैप को याद करता हूँ तो मुझे ध्यान आ जाता है वो कौन से 12 राज्य हैं, लेकिन अगर अगर आप लोग ऐसे मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं आँख बंद करता हूँ और ध्यान करता हूँ तो वो मुझे 12 का जो 12 राज्य हैं वो बहुत अच्छे से याद आ जाते हैं। तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो देखिए मैप से ही सारी चीजें याद करने की कोशिश कीजिए, जो भी पॉसिबल है उसे मैप के थ्रू। अब देखिए यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करिए तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा वो 12 राज्य कौन से, तो नंबर एक गुजरात है, दूसरा आपको यहाँ पर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, तीसरा आपको यहाँ पर गोवा देखने को मिलेगा, चौथा कर्नाटक देखने को मिलेगा, पांचवा यहाँ पर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और छह आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। नीचे नीचे आप जाएंगे इधर से तो आपको केरल और तमिलनाडु देखने को मिलेगा, लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया गया। छह तो ए हो गए, अब छह कहाँ पर है, छह आपको इधर के देखने को मिलेंगे। आप देखिए इधर तो आपको दिख नहीं रहे होंगे इसलिए मैं आपको एक बड़ा मैप दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सिक्किम है, अब देखिए जो आपको इधर के राज्य दिख रहे हैं ना, तो इसमें आपको जो आपको त्रिपुरा और मेघालय है ना इन दो राज्यों को हटा देना है, इसके अलावा आपको जितने भी दिख रहे हैं ना वो इसमें शामिल कर देने हैं। अब जब मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा ना तो मैप आपको आपकी गलियों की तरह पढ़ाऊंगा, तो आपको कभी भी मैप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे अपनी गलियों में घूमते हैं ना वैसे ही आप लोग मैप पर घूमा करेंगे और आराम से बता दिया करेंगे कि कहाँ पर कौन सा राज्य है, किसकी राज्य की कौन सी राजधानी है और वहां पर कौन कौन सी चीजें आपको मिली। तो जैसे आप लोग टूर करते हैं ना तो टूर के भांति मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा। ओके, तो हलवा की तरह आप लोग परेशान ना होइए। तो आपको देखिए छह राज्य तो यहाँ पर मिल गए एक साथ जिनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, और इधर भी छह हैं तो सात में आपको देखने को मिलेगा, छह इधर हो गए, सात में आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। ओके, और आपको आठवां यहाँ पर असम देखने को मिलेगा, नौवां आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, और दसवां आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, ग्यारह आपको मणिपुर और बारह आपका मिजोरम। तो देखिए बहुत आसानी से आपने 12 के 12 याद कर लिए, तो आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं। आपको आंखें बंद करनी है और मैप आपको देखना है, तो किस तरह से मैप देखना है तो फिर से एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको गुजरात में जाना है, गुजरात के बाद आपको महाराष्ट्र में जाना है, महाराष्ट्र से आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर गोवा मिलेगा, फिर आपको कर्नाटक और इधर केरल तमिलनाडु और नीचे जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन केरल तमिलनाडु को इसमें शामिल नहीं किया गया। ओके, तो फिर से ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, तेलंगाना देखने को मिलेगा। अब ये कितने हो गए, छह के छह यहाँ पर मिल गए। अब इधर आएंगे, इधर आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिपुरा है और मेघालय इनको शामिल नहीं किया, त्रिपुरा और मेघालय इनको हटा दिया गया। अब इसके अलावा क्या बचा है, यहाँ पर आपको एक सिक्किम देखने को मिल रहा है। ओके, तो एक सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। आप देखिए लाइन से आइए एकदम, इधर मेघालय और नागालैंड और आपको मणिपुर और मिजोरम। ओके, तो छह राज्य हो गए, तो छह छह 12 हो गए। ओके, तो 12 राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए, तो बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं ट्रिक बनाते रहते हैं और ट्रिक का एक शब्द भूल जाते हैं फिर सोचते हैं अब कौन से। तो मैंने आपको बताया था ना कि पेपर के टाइम वो कहते हैं हाय अल्लाह कुछ तो याद आता है लेकिन ट्रिक याद ही नहीं आती। ओके, तो ट्रिक से आप लोग मत याद करिए, क्योंकि इससे अच्छा तो आप लोग सोचिए कि हम ऐसे से टहल लें जाकर के देख लिए एक बार। ओके, तो इस तरह से मैं आपका बहुत अच्छे से कवर करा दिया करूंगा। अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन है, इससे संबंधित जब राज्यों की मांग उठने लगी, बीच में वो आ गया था मैंने आपको बताया था ना, वैसे ये वाली स्लाइड थी लेकिन वो बीच में स्लाइड पड़ गई थी गलती से, लेकिन मैंने उसको बता दिया था वैसे ये था, तो वो कनेक्टिविटी वहां से बनाई है। अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन करना था, तो इसके लिए जब राज्यों की मांग चलने लगी लगातार, तो इसके लिए बहुत सारे आयोगक जो आयोग थे उनका गठन किया गया। ओके, अब इन आयोग के बारे में कल बताऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको कल समझाऊंगा। ओके, यहाँ पर मैं आप देखिए वीडियो काफी लंबी हो गई, जब वीडियो लंबी होने लगती है तो आप लोग दाएं बाएं करने लगते हैं। अब देखिए वीडियो लंबी, मैंने ये पहले तो मैं देखिए अभी आपको 1.5-1.5 घंटे की वीडियो देने लगा था, लेकिन जब मैंने यूट्यूब एनालिसिस में जाके देखा तो मैक्सिमम लोग होते हैं वो 45 मिनट की वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद रिटेंशन पावर थी वो कम होने लगती है। तो मैं अब सोचता हूँ कि 45 मिनट 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो बनाया करूँ, उससे ऊपर की ना बनाया करूँ। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग डेडिकेटेड होकर के जो
आईएएस की जो क्लासेस हैं, यूपीएससी की क्लासेस अगर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस चलती हैं। अब वहां पर आप लोग 2.5 से 3 घंटे की क्लास दे लेते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर आपका 1.5-2 लाख रुपए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फ्री है ना, कभी भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग 30-40 मिनट में ही बोर हो जाते हैं। ओके, तो आप लोग इधर उधर कोई भी काम भी आ जाता है, मैक्सिमम लोग तो होते हैं तो मम्मी पानी पानी मंगाने लगते हैं कि बेटा पानी लेके आओ, तो जाकर के दोबारा आते तो मूड ही नहीं बनता। ओके, लेकिन कोई नहीं, आप लोग एक रूम बंद करके जब भी आप लोग फ्री हो, जब आपको कोई भी काम नहीं बताता है, उस वक्त आप लोग बैठ करके पढ़ाई करिया करिए और साथ में कॉपी पेन भी पास में रखिए। ओके, डेडिकेट होकर के आप लोग वीडियो देखिए। जरूरी नहीं मेरी वीडियो सभी लोग देखें, लेकिन जो क्लब के मेंबर है वो सभी लोग बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये पीपीटी आप लोगों के लिए बनाता हूँ और समझाता हूँ, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और पीटी और मिस दोनों का अप्रोच मैं आप लोगों का बनाता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लोगों को शेयर भी करिए और अपना जो क्लब है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए। देखिए, मैंने क्लब की शुरुआत की है, लेकिन आगे आप लोगों को बढ़ाना है। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ओके।